हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी 8051 माइक्रो कंट्रोलर, उसका इंट्रोडक्शन, फीचर और एप्लीकेशन। ये माइक्रो कंट्रोलर सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, तो आइए देखते हैं क्या है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, माइक्रो एंड कंट्रोलर। माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल इन साइज, यानी अगर हम किसी के साइज को या किसी चीज को मेजर करते हैं तो वो हम मेजर करते हैं माइक्रो में, नैनो में। तो ये एक मेजरमेंट यूनिट है। तो अगर किसी का साइज स्मॉल है तो हम उसे कहेंगे माइक्रो। नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर मीन्स एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, उसे हम कहेंगे कंट्रोलर। तो अगर हम इन दोनों वर्ड को कंबाइन करें तो हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक बहुत ही स्मॉल डिवाइस है जो किसी पर्टिकुलर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, या हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें सारे पेरिफेरल डिवाइस जो हैं वो इंटीग्रेट हैं। इसीलिए हम माइक्रो कंट्रोलर को कहते हैं सिस्टम ऑन चिप और कंप्यूटर ऑन चिप। एक पर्टिकुलर चिप के अंदर जब सारे सिस्टम, सारे पेरिफेरल, सारे कंपोनेंट लगे होते हैं तो उसे हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर का कई एप्लीकेशंस में यूज होता है, एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज होता है। एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़ों को वॉश करने के लिए, या फिर किचन में हम यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन की तरह, माइक्रोवेव ओवन के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। तो इस टाइप के सारी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर केवल एक ही टाइप की टास्क को परफॉर्म करता है और उसके अकॉर्डिंग हम उसके पेरिफेरल्स को चूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर में सीपीयू, रोम, रैम, टाइमर, काउंटर, ऑसिलेटर सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, इंटरप्ट लॉजिक, सारे फंक्शनल ब्लॉक जो है, सारे कंपोनेंट एक सिंगल चिप में लगे होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर एक कंप्लीट सिस्टम है, लेकिन ये पेरिफेरल हम चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन। जो भी हमारी एप्लीकेशन परफॉर्म होनी है उसके अकॉर्डिंग हम इन पेरिफेरल्स को चूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया वॉशिंग मशीन का, अगर वॉशिंग मशीन का काम है कपड़ों को वॉश करना तो उसके लिए हमें जो जो कॉम्पोनेंट की जरूरत होगी वो हम एक पर्टिकुलर माइक्रो कंट्रोलर में लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे आपका माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में हम खाना कुक करते हैं तो उसके लिए हमें जो पेरिफेरल की जरूरत होगी, जो कंपोनेंट की जरूरत होगी वो हम अपनी चिप में लेंगे। तो वो माइक्रो कंट्रोलर जो होगा उसके कंपोनेंट अलग होंगे और जो हमारा वॉशिंग मशीन का माइक्रो कंट्रोलर है उसके पेरिफेरल्स डिफरेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब अपन देखते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। अब अपन देखते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। 1981 में इंटेल ने एक 8-bit माइक्रो कंट्रोलर इंट्रोड्यूस किया था जिसे हम कहते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर। ये 8-bit माइक्रो कंट्रोलर है, 8-bit उसकी वर्ड लेंथ है। वर्ड लेंथ का मतलब होता है कि अगर किसी प्रोसेसर की या किसी माइक्रो कंट्रोलर की वर्ड लेंथ 8-bit है, उसका मतलब है वो 8-bit डेटा को फेच करेगा एट अ टाइम, 8-bit डेटा को प्रोसेस करेगा यानी एग्जीक्यूट करेगा एट अ टाइम, तो वो जितनी भी फंक्शनिंग है वो 8-bit डेटा के साथ करेगा, तो उसे हम कहते हैं 8-bit माइक्रो कंट्रोलर और 8-bit प्रोसेसर। तो यहाँ पे 8051 एक 8-bit माइक्रो कंट्रोलर है जिसको इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया था। ये बिलोंग करता है MCS51 फैमिली से। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को हम कहते हैं सिस्टम ऑन चिप या कंप्यूटर ऑन चिप भी कहते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम जो है वो एक सिंगल चिप में बिल्ट है। सीपीयू, रैम, ऑन चिप रोम, टाइमर, काउंटर, सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट, सारे फंक्शनल ब्लॉक राम एक सिंगल चिप में अवेलेबल है, इसीलिए इसे हम कहते हैं सिस्टम ऑन चिप या कंप्यूटर ऑन चिप। ओरिजिनली जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर थे वो डेवलप हो रहे थे NMOS टेक्नोलॉजी का यूज करके, लेकिन नाउ अ डे
अब जो माइक्रो कंट्रोलर डेवलप हो रहे हैं वो सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, क्योंकि सीमॉस टेक्नोलॉजी से लो पावर डिवाइस हम बना सकते हैं। सीमॉस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम बहुत ही माइक्रो साइज के डिवाइस, स्मॉल स्मॉल साइज के डिवाइस जो है वो बना सकते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि इसमें चिप का साइज बहुत स्मॉल होता है और सारे कॉम्पोनेंट एक सिंगल चिप में एम्बेडेड होते हैं। तो इस टाइप के माइक्रो कंट्रोलर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारे सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट हो गए, टाइमर, काउंटर, जो भी कंपोनेंट हैं, वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए एक सिंगल चिप में एम्बेडेड होते हैं। नेक्स्ट है, इसका वाइडली यूज किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में, ऑटोमोबाइल सिस्टम में, रोबोटिक्स में, सिक्योरिटी कैमराज में, सब जगह जहाँ पे भी हमें एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करना होता है या एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करनी होती है, हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, घरों में हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन का एक स्पेसिफिक टास्क है कपड़ों को वॉश करना। दूसरा हम यूज करते हैं माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में का स्पेसिफिक टास्क है कि खाने को कुक करना। तो इस टाइप के जो पर्टिकुलर टास्क जहाँ पे भी हमको परफॉर्म करने हैं वहाँ हम माइक्रो कंट्रोलर्स का यूज करते हैं। जितने भी पेरिफेरल डिवाइस हैं वो माइक्रो कंट्रोलर में इंटीग्रेट होते हैं एक सिंगल चिप में, जिससे सिस्टम की कॉस्ट कम हो जाती है। नेक्स्ट है, जो भी प्रोडक्ट होते हैं माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड, उनका साइज स्मॉल होता है कंपेयर टू माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम से। इसीलिए माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंपोनेंट बहुत ही हैंडी होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम ज्यादा रिलायबल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम से, क्योंकि उसमें सारे पेरिफेरल्स एक ही चिप में इनबिल्ट होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सिस्टम को मेंटेन करना इजी है। तो ये सारे फीचर्स अवेलेबल है 40 पिन आईसी में। माइक्रो कंट्रोलर एक 40 पिन आईसी है। अब अपन देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें सारे इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स लगे हुए हैं एक सिंगल चिप में। तो माइक्रो कंट्रोलर में आप यहाँ देख सकते हो सीपीयू है, रोम है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, रजिस्टर, इंटरप्ट सर्किट, टाइमर काउंटर, इनपुट आउटपुट पोर्ट, क्लॉक सर्किट, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, सारे फंक्शनल ब्लॉक एक सिंगल चिप में लगे हुए हैं। तो ये एक कंप्लीट सिस्टम की तरह वर्क करता है और इसका साइज बहुत स्मॉल होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं माइक्रो कंट्रोलर, या फिर इसे हम सिस्टम ऑन चिप या कंप्यूटर ऑन चिप भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे मैंने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो प्रोसेसर में बेसिकली होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। इसके साथ साथ अगर हमें दूसरे कंपोनेंट यूज करने हैं तो वो हम सेपरेटली यूज करते हैं, यानी हम सेपरेट यूज करते हैं मेमोरी का, सेपरेट ब्लॉक यूज करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए, सेपरेट ब्लॉक का यूज करते हैं इंटरप्ट टाइमर के लिए, काउंटर के लिए, क्लॉक सर्किट के लिए, यानी सारी चीजें जितने भी कंपोनेंट हैं पेरिफेरल हैं वो हम सेपरेटली यूज करते हैं। जबकि जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं वो एक सिंगल चिप में इनबिल्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन परफॉर्म बाय द माइक्रो कंट्रोलर। जो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन माइक्रो कंट्रोलर को परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग वो सारे फंक्शनल ब्लॉक एक सिंगल चिप में इनबिल्ट करता है। जैसा कि यहाँ पे कंट्रोल यूनिट भी होती है, रजिस्टर्स भी हैं, ALU है, मेमोरी है, रैम, रोम, टाइमर, इंटरप्ट, सीरियल कम्युनिकेशन, पोर्ट्स, सारी चीजें एक सिंगल चिप में लगी हुई है। ये एक कंप्लीट सिस्टम की तरह वर्क करता है जिसका साइज भी स्मॉल होता है और एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत यूजफुल है। तो माइक्रो कंट्रोलर सिस्टम जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एक कंप्लीट सिस्टम और कंप्यूटर ऑन चिप और सिस्टम ऑन चिप। तो अब अपन देखते हैं फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर।
जैसा कि मैंने आपको बताया 8051 माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली इंटेल ने डिजाइन किया था। ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, 8 बिट उसकी वर्ड लेंथ है, यानी 8051 माइक्रो कंट्रोलर एट अ टाइम 8 बिट डेटा को फेच करेगा, 8 बिट डेटा में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो जो भी चीज करेगा वो 8 बिट में करेगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर। 8051 माइक्रो कंट्रोलर MCS 51 फैमिली को बिलोंग करता है। इसमें 4 किलोबाइट की ऑन चिप प्रोग्राम मेमोरी है, यानी रीड ओनली मेमोरी है। 128 बाइट की ऑन चिप डेटा मेमोरी है, जिसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 4 रजिस्टर बैंक है, 128 यूजर डिफाइंड सॉफ्टवेयर फ्लैग है, 8 बिट बाई डायरेक्शनल डेटा बस है, 16 बिट यूनी डायरेक्शनल एड्रेस बसेस हैं, 32 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं और हर रजिस्टर का साइज 8 बिट का है, 16 बिट टाइमर है, 3 इंटरनल एंड 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट्स हैं, 4 8 बिट पोर्ट हैं, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर और डेटा पॉइंटर है। 8051 में कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं, जैसे कि UARTS, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, OPAMP, ये सारे स्पेशल फीचर्स भी हैं। तो ये सब फीचर्स हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर के। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर का। फर्स्ट एप्लीकेशन है कंज्यूमर एप्लायंसेस में, जैसा कि टीवी ट्यूनर में, रिमोट कंट्रोल में, कंप्यूटर में, स्विंग मशीन में हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है होम एप्लायंसेस, होम एप्लायंसेस में हम यूज करते हैं वॉशिंग मशीन में, वीडियो गेम्स में, टीवी में, माइक्रोवेव ओवंस में, टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, होम सिक्योरिटी सिस्टम के लिए, इन सब में हम माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम में हम मोबाइल फोन्स में यूज करते हैं, इंटरकॉम में यूज करते हैं, पेजिंग डिवाइस में यूज करते हैं। नेक्स्ट है ऑफिसेस, ऑफिस में हम कहाँ यूज करते हैं, फैक्स मशीन में, प्रिंटर, कॉपियर, लेजर प्रिंटर में यूज करते हैं हम। ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल में हम यूज करते हैं इंजन को कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। एरोनॉटिकल एंड स्पेस में हम यूज करते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम यूज करते हैं प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए। डिफेंस सिस्टम में यूज करते हैं, रोबोटिक्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड फ्लो कंट्रोल सिस्टम में यूज करते हैं। रेडियो एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स में हम इसका यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग में यूज करते हैं। तो जहां पे भी हमें एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना होता है, ऑटोमेटिकली हम वहां पे एम्बेडेड सिस्टम का यूज करते हैं या माइक्रो कंट्रोलर का यूज करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर डेडिकेटेड होते हैं एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोग्राम को रन करने के लिए, और ये जो प्रोग्राम होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में, जिसको हम जनरली चेंज नहीं कर सकते। माइक्रो कंट्रोलर लो पावर डिवाइसेस हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं, ये सारे एप्लीकेशंस हैं माइक्रो कंट्रोलर के। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो कंट्रोलर का क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगी। So keep watching my video and stay continue.